दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता कि इस किट की इतनी ज्यादा डिमांड थी, मतलब मुझे इतने सारे कमेंट्स आए थे ना कि फाइनली मुझे लेकर आना ही पड़ा फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन सेट। तो आज इस किट की मदद से हम फिंगरप्रिंट को ट्रेस करेंगे और चेक करेंगे क्या वाकई में यार ये फिंगरप्रिंट यहाँ से हम ट्रेस कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु और मैं यहाँ पे करता रहता हूँ टॉयज एंड गेम्स एक्सपेरिमेंट किट सभी तरह के गैजेट सबकी अनबॉक्सिंग। तो वीडियो को प्लीज कर दीजिए लाइक और लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों इस बॉक्स को ओपन करने से पहले आपको एक बहुत जरूरी चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप इसे परचेस करते हो अमेजन वगैरह से तो आपको हो सकता है ये 2,000, 3,000 और 5,000 में भी दिख जाए, बट मैं आपको अगर इसकी कीमत बताऊँ तो ये सिर्फ 500 रुपये में मैंने लिया है और जिस सेलर से मैंने लिया था ना फिलहाल वहाँ पे ये अभी अनअवेलेबल दिखा रहा है। तो मैं लिंक तो आपको दे दूंगा बट आप बिल्कुल भी धोखा मत खाना, ये 500 रुपये में मिलता है भैया, आप 2,000 रुपये या 2,500 या 1,500 रुपये मत दे देना इस सेट के। तो सीधे सीधे इसे ओपन कर लेते हैं और निकाल लेते हैं इसके कंटेंट्स को बाहर। दोस्तों सामान निकालिए बाहर और सबसे ऊपर एज यूजुअल यहाँ पे हमको एक मैनुअल मिल जाती है और सारी जो प्रक्रिया है इसके अंदर अच्छे से दी हुई है। मैंने कुछ पन्ने पढ़े, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, और एक प्लास्टिक का यहाँ पे गूगल से हमको मिल जाता है, क्वालिटी इतनी कोई खास नहीं है इसकी। और एक ब्लैंक हमको खाली जार मिल जाता है, इसके अंदर हमको बेबी पाउडर या टेलकम पाउडर है ना वो रखना है, उसका यूज़ होगा यहाँ पे। और एक हमको क्लियर एडहेसिव टेप है, बहुत ज़्यादा टेप यहाँ पे मिल जाती है हमें। एक स्टैम्प पैड मिल जाता है ब्लू कलर का, एक ब्रश भी यहाँ पे दिया गया है और साथ ही फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड रखने के लिए फिंगरप्रिंट पैड है ये मिल जाता है, और एक रियल वर्किंग मैग्नीफाइंग ग्लास भी हमको यहाँ पे मिल जाता है, और लास्ट में ये यू आर अंडर अरेस्ट वो CID वाला आइडेंटिटी कार्ड टाइप कुछ यहाँ पे फोटो लगा और ऐसा कुछ खेलने के लिए, तो ये भी रख देते हैं हम साइड में। तो जल्दी से शुरू करते हैं कार्रवाई, स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मजा आ गया भाई, जितनी आसानी से यहाँ पर हमने फिंगरप्रिंट ले लिया ना, आप देख सकते हो यार बिल्कुल पास से, और काफी सही फिंगरप्रिंट यहाँ पे आया। अगर इसको आपको और अच्छे से देखना है ना तो मैग्नीफाइंग ग्लास भी हमको यहाँ पे मिल जाता है, इसकी मदद से आप और अच्छे से फिंगरप्रिंट को देख सकते हो। मतलब मैंने ट्रायल भी नहीं लिया, सीधे एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, मैंने कहा देखी जाएगी, बट वाकई में यार यहाँ पे फिंगरप्रिंट ले रहा है। तो जल्दी से और चीजों में भी ट्राई करते हैं कि फिंगरप्रिंट आते कि नहीं आते हैं, बट ऐसे नहीं करेंगे, कुछ करेंगे अपने स्टाइल में, मनु वाले स्टाइल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। CCTV फुटेज की मदद से पता चला है कि फ्रिज से एक बड़ा बॉक्स आइसक्रीम का चोरी हुआ है, जिसे ढूंढने की जिम्मेवारी मिली है मिस्टर मनु को। मनु को, मनु को। तो दोस्तों यहाँ तक यकीनन आपको मजा आएगा वीडियो देखने में। अब एक और ट्विस्ट यहाँ पे मैं खोलता हूँ, एक और चीज है इसके अंदर। आप सोच रहे होंगे यार ये ब्लू वाला पैड किस लिए इन्होंने दिया हुआ है, तो इसका यूज बताने से पहले आपको एक चीज दिखाना यहाँ पे बनता है। ये जो मैनुअल के पीछे ना कुछ पेजेस यहाँ पे दिए गए हैं, अब पेजेस में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, केस रिकॉर्ड। जैसे CBI वालों के पास होता है ना, फोटो लगा लेते हैं, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे आती है। अब ये जो ब्लैक वाला है ना,
यहाँ पे आ जाते हैं जो होता है मुजरिम, जिस पे जो होता है सस्पेक्ट, सस्पेक्ट कहेंगे करेक्ट वर्ड, तो सस्पेक्ट के यहाँ पे आ जाएंगे और उसके बाद उसको मैच करने के लिए, अरे चिपक गया क्या, उसको मैच करने के लिए यहाँ पे चाहिए हमें कुछ दूसरे ब्लू प्रिंट, तो उसके लिए यहाँ पे ब्लू मशीन। अब मैं इससे भी एक प्रिंट ले लेता हूँ और ये मैंने यहाँ पर अपना हाथ लगाया, अंगूठा लगाया और यहाँ पे लगा लिया। देखिए अब वो क्या करेंगे फॉरेंसिक वाले, इन दोनों को कुछ इस तरह से यहाँ पे मैच करेंगे लैब में। तो यार ये कंसेप्ट यहाँ पे बहुत मज़ेदार लगा, मतलब ये तो अमेजिंग ही हो गया कुछ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, क्योंकि यार लाइक करने से ना यार बड़ा अच्छा लगता है और भी इंस्पिरेशन मिलती है ऐसे ऐसे किट लाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते जल्दी किसी नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।